हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास हम करने जा रहे हैं क्लास एट के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है आपका लैंड वाटर सॉइल रिसोर्सेज एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड है और इसका ये इस चैप्टर का ये वीडियो पार्ट सेकंड है। वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने वाटर के रिसोर्स स्टार्ट किए थे और उसके अंदर कुछ टॉपिक देखा था। अब वाटर रिसोर्स कुछ टॉपिक और बाकी रह गए जिसको आज हम कवर कर लेंगे। एंड दिस विल द लास्ट चैप्टर ओनली फॉर वाटर रिसोर्सेज। सो सी, जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकंड ज्योग्राफी का, जो कि आपका वाटर रिसोर्सेज, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं आज, वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ वाटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कि लास्ट क्लास हमने ये पहले समझा था, जो लास्ट क्लास देखी थी हमने इस चैप्टर की, उसमें हमने ये देखा था कि जो वाटर है वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो अर्थ के ऊपर है वो 71% वाटर है, उसमें से कितना वाटर आपका पीने लायक है, कितना पीने लायक नहीं है। जो 3% वाटर आपका यूजेबल था, ड्रिंकेबल था, उसमें से कितने आपके किस किस रिसोर्सेज से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो वाटर, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का जो पूरा सर्फेस है वो 71% वाटर कवर है आपका, जिसमें 3% वाटर में पीने लायक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी बहुत सारा है, बट पानी बहुत सारा होने की वजह से भी वहां पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, और कुछ कुछ जगह पे वाटर ना होने की वजह से वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। तो वाटर हो और तब भी वाटर स्कैर्सिटी हो, और वाटर ना हो तब भी वाटर स्कैर्सिटी हो, या फिर वाटर से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स है, आज हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, वाटर होने या ना होने से क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला यहां पे हेडिंग क्या कहता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नाम से आपको पता चल रहा है कि जो वाटर पूरे अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर पूरे एक अर्थ के ऊपर, या फिर पूरे किसी कंट्री, स्टेट, रूरल एरिया, टाउन इलाके, किस कोई भी आपका इलाके है, तो सभी इलाके पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इक्वल अवेलेबल नहीं है। कहीं पर ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, कहीं पर कम पानी देखने को मिलता है। जहाँ पर कम पानी है वहाँ वाटर स्कैर्सिटी है, और जहाँ पर ज़्यादा पानी है वो पानी आपका पीने लायक नहीं है, तब भी वाटर स्कैर्सिटी है, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर पानी तो सफिशियंट है, लेकिन वो पानी उस जगह नहीं है जहां पे होना चाहिए। मतलब जहां पे कहीं पे पानी जरूरत से ज्यादा है और कहीं पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये होता है आपका वाटर रिसोर्सेज के वजह से। तो इसको हम और अच्छे समझते हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है, द वास्ट एरिया लाइक डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रिसीव ऑलमोस्ट नील और लो रेनफॉल, बट सीजनल वेरिएशन एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन अफेक्ट द अमाउंट, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीसिपिटेशन। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे कि आपका जो डेजर्ट वाला हो गया, सेमी डेजर्ट वाला इलाका हो गया, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए जो आपके ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, या तो बारिश बहुत कम होती है या तो ना के बराबर होती है, तो ऐसे जगह पे पानी की कमी देखने को मिलती है। और क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें हो सकती हैं आपकी सीधी पड़ती हो, इस वजह से वहाँ पे वाटर वेपर जल्दी हो जाता है, जिस वजह से पानी की बहुत कमी हो जाती है। और वहीं पर कुछ दूसरे इलाके होते हैं जहाँ पे सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक साल में वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहा, क्लाइमेट कैसा रहा, वेदर कैसा रहा, रेनफॉल कैसा रहा। और नेक्स्ट है आपका लैटिट्यूडनल वेरिएशन। लैटिट्यूडनल वेरिएशन का मतलब ये है कि जो जिस जगह पे पानी की बात हो रही है वो आपके लैटिट्यूड के किस हिसाब से है, मतलब वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, या इक्वेटर के पास है, या फिर पोल्स के पास है। तो आपको पता ना इक्वेटर के सामने जो होगा, इक्वेटर की जगह पे होगा, वहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, बाकी जगह पे टेढ़ी पड़ती हैं। तो इन सीजनल वेरिएशन और लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से तो क्या होता है कि अमाउंट, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीसिपिटेशन अलग। प्रीसिपिटेशन का मतलब यहाँ पे आपका रेनफॉल हो गया, स्नो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर जो आपके बर्फ के गोले गिरते हैं वो आपके हो गए। देखो तो बेसिकली क्या होता है कि किसी इलाके पे बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी, वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है कि वो सीजनल वेरिएशन, मतलब वहाँ पे एक साल का वेदर क्लाइमेट कैसा रहा, टेम्परेचर कैसा रहा वो, और लैटिट्यूडनल वेरिएशन कि भाई जिस इलाके की बात हो रही है वो इलाका इक्वेटर के कितने पास है, कितने दूर है। इक्वेटर के पास होगा तो हो सकता है कि पानी की कमी हो, क्योंकि सूरज किरणें रहती हैं तेज वहां पे पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मान लो नॉर्थ पोल पे होगा, साउथ पोल होगा, तो वहां बर्फ वाला इलाका होगा, पानी की कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वहां पे पानी है या नहीं है वो डिपेंड करता है इन सब चीजों पे भी। तो और ये आपको ध्यान रखना है, प्रीसिपिटेशन का मतलब आपका स्नोफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया, या बर्फ के गोले के जो आसमान से आपके गिरते हैं, वो सारी चीजें ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज भी काफी बड़ा इफेक्ट करता है कि भाई मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म है, या किस तरह का मौसम है, आपका विंड कैसा चलता है वहां पे, वो जो आपका इक्वेटर के पास है या दूर है ये इलाका, ये सारी चीजें। तो क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ गेटिंग वार्मर एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, दिस कॉज सीरियस सीजनल इम्बैलेंसेस द फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ बेसिकली ये बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे हो रहा है बहुत तेजी से, उसका भी एक बहुत वो भी एक बहुत बड़ा कॉजेज है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि जो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की वजह से जो आपका
एटमॉस्फेयर है उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्री रेगुलरली। अब इसका इंपैक्ट बेसिकली ये रहेगा कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपके बर्फ वाले इलाके हैं जहाँ पे आपका ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं तो ग्लेशियर्स ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहे हैं, आपके मेल्ट हो रहे हैं यानी कि पिघल रहे हैं, और पिघलने की वजह से जो वहाँ से पानी आ रहा है वो पानी एक ही साइड में एक ही ड्यूरेशन में एक ही डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है और जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर ज़रूरत से ज़्यादा है और जहाँ पे वाटर होना चाहिए वहाँ पे वाटर नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा आपका रीज़न बन जाता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, ये भी आप समझ सकते हो। कंजम्पशन का मतलब आप किस चीज़ को यूज़ करते हो उसी को हम कंजम्पशन कहते हैं। तो भाई पानी को यूज़ करने का तरीका भी लोगों का काफ़ी अलग होता जा रहा है जिसके वजह से वाटर का एक गलत यूज़ हो रहा है और वाटर जहाँ जिस काम के लिए यूज़ होना चाहिए उस काम के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है। अब समझते हैं इसको। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन टाउन एंड सिटी इज अ वाटर सप्लाई बाय द सिविक बॉडीज। ऑन अदर हैंड देर इज नो डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन रूरल एरिया। तो देखो यहाँ पे बेसिकली दो बात की गई है। पहली बात की गई है आपके टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि अर्बन एरिया की, और दूसरी बात यहाँ पे की गई है आपके रूरल एरिया की। तो बेसिकली होता है क्या है, रूरल एरिया के अंदर वाटर का सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा। आप कई बार टीवी पे भी देखते होगे या फिर अगर आप सोशल मीडिया यूज़ तो करते होगे खैर, तो वहाँ पे भी आप देखते होगे कि किस तरह से जो वाटर की प्रॉब्लम है रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों के पास पानी नहीं होता, जैसे आपका राजस्थान वाला इलाका हो गया या कुछ बिहार झारखंड के इलाके हो गए, तो वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है उनको, कुओं से, नल से, या फिर एक पर्टिकुलर पूरी सोसाइटी होती है उस सोसाइटी के पास कि आपका कुआं होता है। फिर आज के टाइम में तो बिहार वगैरह के जो इलाके हैं वहां पे अब ऐसा कम होता है, अब हर घर में नल लग चुके हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बट इनफैक्ट अभी भी कुछ इलाके काफी अनडेवलप्ड इलाके हैं जहां पे वाटर की जो बॉडीज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाई है और वहां के लोगों को पानी की काफी दिक्कत होती है और गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे पानी को जो लेके सप्लाई है उस पर काम चल रहा है अभी तक या फिर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वहीं पे जो कुछ आपके टाउन्स यानी कि जो आपके अर्बन एरिया होते हैं, शहरी इलाके होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई की पूरी इंतजाम किए गए हैं। घर घर में पानी है, टैंक्स हैं, नलके हैं, ठीक है, यहाँ की तक कि आपकी वाटर सप्लाई बाय दिस सिविक्स। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं आपके या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो कुछ इलाकों में अपने वाटर टैंक्स भेजते हैं ताकि वहाँ की सोसाइटी के लोग वाटर भर सके। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके ये है कि जो शहरी इलाकों में तो वाटर पहुंच रहा है, सप्लाई पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे वाटर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को तालाब में ही जाके जो गंदा पानी होता है वही पीना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट आपका इनअफिशियंट यूज़ का मतलब बेसिकली यहाँ पे यह है कि पानी अवेलेबल है जिस जगह पे, वहाँ के लोग पानी का गलत यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। कैसे, मैनी पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स एट रिवर बैंक, यूज ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट, क्लीनिंग कार, हाउस, इन रिजल्ट मैनी एरियाज हैव गोन ड्राई। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ के तो लोग पानी की कमी को, पानी की दिक्कत को समझते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आसपास नदी है, साफ नदी है, तो वहाँ पे नदियों के किनारे पे जाके वो कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उससे वाटर गंदा हो रहा है, पानी में जाके नहाते हैं उससे ही पानी गंदा हो जाता है, और भी बहुत कुछ करते होंगे, समझ रहे हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि जो पानी वो यूज़ करते हैं वो जो मतलब पीने वाला पानी वो कार धोने के लिए, घर धोने के लिए, अपने प्लांट्स को डालने के लिए करते हैं। हालांकि प्लांट्स को गंदा पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन पूरा पीने वाला पानी भी नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जो घर में बच्चे होते हैं या फिर कुछ जो लोग होते हैं वो भी जो नल है उसको खोला और पूरी तरह से सही से बंद नहीं करते, तो पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है। तो वाटर है लेकिन उसका यूज़ सही से नहीं हो पा रहा, और जिसका इफेक्ट जो है आपका रूरल एरिया में देखने को मिलता है और वहां पे पानी की कमी काफी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बढ़ना। देखो इंडिया की जैसे बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, ठीक है, इंडिया का ग्रोथ गिर रहा है, इंडिया की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो गिर रही है, लेकिन इंडिया की जो एक चीज़ बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया भी सेकेंड नंबर पर पॉपुलेशन पर, लेकिन हो सके चाइना को वो पीछे छोड़ दे इन 2025 और वो फर्स्ट बन जाए, तो देखते हैं खैर क्या होता है। तो राइजिंग पॉपुलेशन ये भी आपका एक बहुत बड़ा रीज़न है वाटर स्कैरसिटी का। क्या कहता है, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन कंज्यूम्स मोर वाटर फॉर देयर ड्रिंकिंग एंड एनी अदर वर्क। ये भी आपका सिंपल चीज़ है कि भाई अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अब पॉपुलेशन यहाँ पे अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आपको पता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.33 बिलियन से भी ज़्यादा है,
जितना पूरे अर्थ की जो पॉपुलेशन बढ़ेगा उनका कंजम्पशन बढ़ेगा कि भाई जितने लोग ज़्यादा पैदा होंगे वो अपने पानी का उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वाटर कंजम्पशन और ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगा वाटर स्कैसिटी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर रूरल एरिया को या फिर किसी भी एक एरिया को अर्बनाइजेशन यानी कि शहर की तरफ बढ़ाते हैं, यानी शहर की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बन इलाका यानी कि शहर वाला इलाका, और अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी इलाके को हम शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो शहर की तरह दिखे, शहरीकरण जिसे आप कहते हो हिंदी में। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्री का मतलब होता है कि औद्योगिक इलाका जहाँ पे फैक्ट्री हो, कंपनीज हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, उत्पाद हो, लोग वहाँ पे काम करने आते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट्रीज को, ऐसे एरिया को डेवलप करना जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री हो, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो क्या कहता है पे कि बोथ ऑफ दीज आर, बोथ ऑफ दीज मतलब अर्बनाइजेशन भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, तो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस एंड बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन वाटर सप्लाई ड्यू टू विच ए कंटिन्यूस वाटर शॉर्टेज हैज बीन सीन इन रिसेंट ईयर। देखो अब इलाका चाहे आपका अर्बनाइजेशन हो या इलाका चाहे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मतलब आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, दोनों में ही पानी की जरूरत पड़ती है। अर्बनाइजेशन अगर आप शहर बना रहे हो तो ऑब्वियस बात है शहर को हम तभी शहर कहेंगे जब वहाँ पे वाटर की पूरी एकदम मतलब फुलफिलमेंट होगी, पूरा वाटर अवेलेबल होगा, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो तो वाटर कंज्यूम होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है, फैक्ट्री अगर लगा रहे हो तो आप जो भी काम कर रहे हो तो पानी की जरूरत पड़ती है, चाहे मशीन के लिए हो, वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए हो, या फिर कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे आपका आयरन का काम हो गया उसमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, नैपकिन बनाना हो गया उसमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें वाटर चाहिए चाहिए होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या आपका अर्बनाइजेशन हो, दोनों में ही वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा वाटर की जरूरत उतनी ही ज़्यादा होगी, और इससे वाटर स्कैसिटी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या है इसको समझते हैं। समझने की क्या जरूरत है, जैसे वाटर पोल्यूशन हमने कभी फिफ्थ या फिफ्थ क्लास के अंदर पढ़ाई है, तो इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट एटसेट्रा। सबसे पहले तो ये वाटर पोल्यूशन होता ही है, तो वाटर पोल्यूशन सिर्फ यही रीजंस नहीं है, बहुत सारे रीजन है, चाहे ऑल आपका ऑयल स्पिलिंग हो या फिर आपका गार्बेज को वाटर के अंदर फेंकना हो या वाटर को किसी अलग तरीके से पोल्यूशन करना हो, तो इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है विच मेक्स वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड लीड टू स्केसिटी ऑफ वाटर। देखो हम जो वैसे हमारे पास वाटर की बहुत सारी कमी है, और जो ही वाटर हमारे पास पीने लायक है 3% पानी वैसे भी है, इसको भी क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, लेकिन मान लो उसमें भी वो दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वाटर हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, और जो भी 3% वाटर है हमारे पीने लायक उसकी जो नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होगा वो आपका कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी आपका खराब हो जाएगा पोल्यूशन की वजह से, या तो हम पानी को पी नहीं सकते, और पिएंगे तो क्या होगा, उससे पीने से क्या होगा, सच पोल्यूटेड वाटर कॉजेज सम डिजीज विच इज ए ग्रेट थ्रेट टू दी लाइफ ऑफ पीपल। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका बात ये बताया गया कि अर्थ के ऊपर वैसे पानी पीने लायक काफ़ी कम है, और जो भी बचा हुआ पीने लायक पानी है अगर हम उसको पोल्यूट कर देंगे तो हम पी नहीं पाएंगे, और वो हम गलती से पी लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल, उससे लोगों को डिजीज हो जाएगी, और वो डिजीज क्या होगा, लोगों के लिए खतरा होगा। तो देखो लास्ट क्लास हमने ये देख लिया था कि भाई वाटर अर्थ पे कितना अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, इसमें हमने ये देखा कि जो वाटर होने के बावजूद भी नहीं है, हमें दिक्कत है, परेशानी है, वो क्यों है। तो आप बोलोगे सर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो वाटर को कैसे बचाया जाए और कैसे पोल्यूटेड होने से रोका जाए ताकि लोगों को पानी की कमी ना हो, ये कैसे किया जा सकता है कि भाई वाटर को हम मतलब सेफ रख सकें, बचा रखें, और ये जो प्रॉब्लम है इन सारे प्रॉब्लम से हम वाटर की बचे रहें। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ कैन वी सेव और हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व करना, बचाना, सेव करना। तो अब हम इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर वाटर सो द स्कैसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस। तो इसमें पहला जो तरीका है जिससे आप वाटर को सेव कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो, वो है आपका रीसाइकिलिंग। देखो एक तो होता है आपका वाटर साइकिल जिसे आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हो, ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, वाटर साइकिल जिसे आप कहते हो, ठीक है। अब ये होता है आपका रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर। रीसाइक्लिंग का मतलब ये होता है रीयूज, कि मतलब आपने जो चीज़ यूज़ कर लिया उसको दोबारा से किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, रीसाइक्लिंग। तो हम पानी को दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें क्या कहता है, वेस्ट वाटर कैन बी प्योरीफाइड एंड रीयूज बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर रीसाइक्लिंग। इसमें बेसिकली आपको ये बताता है कि जो वाटर आपका यूज़ हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, उस वाटर को हम दोबारा से धो के प्योरीफाई करके दोबारा से रीयूज़
कर सकते हैं, इसी को हम वाटर रिसाइकलिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो वाटर रिसाइकिल है वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप अपने घर में हो, आप घर में नॉर्मली हाथ धो रहे हो, तो हाथ धोने के बाद जो आपके हाथों से हाथ धोने के बाद जो पानी जा रहा है, आप उस पानी को किसी जगह पर स्टोर कर लो, और स्टोर करने के बाद आप उस पानी को किसी दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे उसी पानी को आप घर साफ करने में यूज़ कर सकते हो, पौधों में पानी देने में यूज़ कर सकते हो उसी पानी को, ठीक है। इनफैक्ट काफ़ी इलाकों में होता है और पहले होता था कि लोग जब नहाते थे ना, तो नहाने के बाद जो पानी वेस्ट होता था उसको किसी एक जगह पर स्टोर किया जाता था। मतलब कोई पर्सन ऊंचाई पर नहा रहा है और उसके नीचे ऐसा एक टप लगा दिया गया जिससे वो क्या कर रहा है, उस वाटर को सेव कर रहा है, और जो टप में पानी सेव हो रहा है नहाने के बाद उस पानी को रेदर देन ड्रिंकिंग उसको कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, या फिर पौधों में पानी डालने में, या फिर किसी और तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसी चीज़ को हम वाटर रिसाइकिल कहते हैं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है वो भी इस वाटर रिसाइकिलिंग करती है। जैसे हम भी जो पानी पीते हैं वो पानी जो हमें साफ घर में आता है, रियलिटी में इतना साफ नहीं होता, बट इसको मोटर के थ्रू या फिर किसी अदर इक्विपमेंट के थ्रू साफ करके तब हमारे पास आता है ताकि हम उसे पी सके। तो इनफैक्ट वाटर रिसाइकिलिंग के और भी बहुत सारे आपके यूजेज होते हैं। जैसे मान लो आपका कलेक्ट शावर वाटर होता है, ट्रेप जो आपका रेन वाटर है वो हो गया आपका, द यूज़ ऑफ कोरेसिस फिल्ट्रेशन हो गया आपका, उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर हो गया। इस तरह से आपके ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिस मेथड के थ्रू आप वेस्ट वाटर को दोबारा से साफ करके प्यूरीफाई करके यूज कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा सेकंड मेथड जो कि आपका रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। बेसिकली ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है जिसको हम हैंडपंप के थ्रू या फिर कुएं के थ्रू निकालते हैं उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देखो ग्राउंड के अंदर वाटर है और उस वाटर को हम डेली यूज़ करते रहते हैं, चाहे विलेज इलाके में हो या फिर कैसे भी ग्रामीण इलाकों में हो। लेकिन कभी हमने सोचा जो ग्राउंड के अंदर जो हम वाटर यूज़ कर रहे हो कभी खत्म क्यों नहीं होता, तो उसका आंसर आपका इसी टॉपिक में छुपा हुआ, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें क्या कहता है, इसमें आपका बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ percolates of water in the ground by heavy rainfall and seeping down from the surface runoff एट सकते हैं एंड रिच इज द ग्राउंड वाटर। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ग्राउंड वाटर के अंदर वाटर कभी खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो आपका रेनफॉल के थ्रू, मतलब जो बारिश होता है और बारिश के अंदर जो पानी जाता है तो वो पानी क्या कर लेता है, वो जमीन पानी को सोख लेता है और वो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है। एक इसके थ्रू ग्राउंड में वाटर जाता रहता है, और दूसरा रीजन है आपका सिपिंग डाउन फ्रॉम द सर्फेस रन ऑफ। कई बार जमीन के सर्फेस के ऊपर ही कई बार आपका पानी बहता रहता है, और पानी बहते होते कई बार जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर जाने से ग्राउंड के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर आपका भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दो तरीके से आप ग्राउंड के अंदर वाटर भरते हैं जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ग्राउंड वाटर है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट यूज। एफिशिएंट यूज का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या होता है कि वाटर जो भी है आपके पास उसका सही तरह से इस्तेमाल करना, उसका गलत इस्तेमाल ना करना, अच्छे से यूज करना, इसी को हम एफिशिएंट यूज कहते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग ऑफ टैप आफ्टर यूज। पानी अगर हम यूज़ करते हैं तो नलके को पानी में से यूज़ करने के बाद नलके को बंद कर देना ताकि उससे पानी बहे ना। दूसरा ये कहता है यूजिंग स्प्रिंकल फॉर वाटरिंग द लॉन्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप लॉन्स हो गया, लॉन्स मतलब जो मैदान का घास का मैदान हो गया वो हो गया, या फिर आपका फील्ड्स हो गया, मतलब जमीन का बड़ा बहुत बड़ा फील्ड हो गया इसमें आपने घास उगाया, या फिर कोई बगीचा हो गया वो हो गया, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हो तो उस पानी को आप कैसे डालो, उसको आप स्प्रिंकल के थ्रू डालो। स्प्रिंकल का मतलब आपका एक मेथड होता है जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड के बहुत बड़े हिस्से पे एक ही साथ बहुत सारा पानी ना डाल के बल्कि वाटर को काफ़ी स्लो रेट में हम डालते हैं पूरे इलाके के अंदर, ठीक है, ताकि वाटर इरिगेशन हो। मतलब एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसमें हमने पानी काफ़ी कम स्पीड से छोड़ दिया और धीरे 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 पानी पूरे ग्राउंड के ऊपर फैल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं, ताकि वाटर भी जाए और वाटर कम भी यूज़ हो और नमी बनी रहे पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है कैरिंग आउट ड्रिप इरीगेशन इंस्टेड ऑफ कैनल एंड वॉल इरीगेशन नीड टू बी पॉपुलराइज, ठीक है। और ये जो मेथड है इस मेथड को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि किस चीज़ के लिए, वाटर किसी कहीं पे ग्राउंड को किसान खेती को इरीगेशन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ कैनल यानी कि बड़े बड़े नालियों का चैनलों का बनाना या फिर बड़े बड़े कुएं के बनाने से अच्छा है कि हम इस मेथड को यूज़ करें ताकि पानी कम यूज़ हो और बड़ा सा मैदान आपका वाटर इरीगेशन आराम से हो सके। और लास्ट जो मेथड है आपका वो है आपका इंप्रूविंग वेजिटेशन कवर। इंप्रूविंग वेजिटेशन कवर का मतलब ये है कि देखो पहली बात तो ये वेजिटेशन कवर क्या होता है, वेजिटेशन कवर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा और उस हिस्से पे कितना ज़्यादा आपका जो मतलब घास फूस जो है उगा हुआ है, या फिर जमीन का एक ऐसा हिस्सा और उस हिस्से के ऊपर कितना परसेंटेज जो जमीन है वो आपके घास के मैदान से कवर है या फिर ऐसे हरे पेड़ पौधों से कवर है, तो उसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन कवर कहते हैं। वेजिटेशन कवर का मतलब ये है कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा परसेंटेज जो वहाँ के घास के मैदान से हरे भरे पत्तों से पेड़ों से पौधों से ढका हुआ है, उसी परसेंटेज को हम वेजिटेशन कवर कहते हैं।
और इस वेजिटेशन कर्व को हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें बढ़ाना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द सर्फेस रन ऑफ इज मोर ऑन बेयर सॉइल से। जो मैंने बताया था ना सर्फेस रन ऑफ का मतलब इसलिए क्या होता है कि जो जमीन है, जमीन के ऊपर जो पानी बहता रहता है उसको सर्फेस रन ऑफ कहते हैं। तो द सर्फेस रन ऑफ इज मोर ऑन बेयर सॉइल। देखो सर्फेस रेनफॉल जो होता है सिर्फ मिट्टी पर, मतलब मिट्टी पर मान लो उस पर घास फूस नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मिट्टी है उस पर ज्यादा होता है, ठीक है, देन ऑन द वेजिटेशन सॉइल सर्फेस। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर एंड इंप्रूव इट्स डेंसिटी टू प्रिवेंट सर्फेस रन ऑफ। बेसिकली होता है क्या है कि अगर मान लो जो पानी है, अगर वो पानी सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर बह रहा है ना, तो जमीन क्या करती है, तो जमीन के अंदर की मिट्टी पानी को अपने अंदर सोख लेती है और ग्राउंड के अंदर उस पानी को जाने नहीं देती, इससे ग्राउंड में वाटर इकट्ठा नहीं होता। लेकिन मान लो अगर वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहेंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन के अंदर जो पेड़ के जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जमीन के जो जड़ अगर मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और वाटर जब जाएगा तो वाटर उस मिट्टी को सोखेगा नहीं, बल्कि वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। मतलब जो अगर हम ज्यादा वेजिटेबल उगाते हैं, ज्यादा अगर हम वेजिटेशन उगाते हैं, तो वेजिटेशन के जो जड़ होते हैं वो नीचे की जो मिट्टी होती है, जमीन के नीचे की मिट्टी, उसको पकड़े रखते हैं, और अगर जमीन की मिट्टी को पकड़े रखेंगे और हम पानी देंगे तो पानी जो है तो उस पानी को मिट्टी नहीं सूखेगा बल्कि ग्राउंड के नीचे चला जाएगा और उससे ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर इकट्ठा करना है तो ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे ताकि आपका वेजिटेशन कवर इंक्रीज हो सके। तो ये बेसिकली आपके कुछ मेथड थे जिन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर स्कैर्सिटी को कम कर सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वाटर रिसोर्स, ये आपका कंप्लीटली खत्म होता है।